हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बनाने जा रही हूँ गैस गरम मसाला, जो मैं होममेड गरम मसाला बनाती हूँ। गरम मसाला बनाने के लिए आपने देख सकते हैं कि मैंने जो सामान लिए हैं, जायफल, लौंग, इलायची, जावित्री, छबीला। और छबीला से डालने से जायफल, वो जायफल, और मैंने लिया है सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, चक्रगिन्नी, चक्री जिसको बोलते हैं, और बड़ी इलायची, दालचीनी, इस तरीके से दालचीनी, ये वाली जो होती है इसमें, ये कोरोना काल में आपने बहुत काढ़ा में डाल के पी होगी। और ये है धनिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं होममेड गरम मसाला। तो गरम मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, सब्ज़ी में आप डाल के खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो गैस इस जायफल के लिए फोड़ लेंगे और इन सब मसालों को हल्का हल्का भून लेंगे। तो ये कबाब चीनी जो होती है, काली मिर्च की तरीके होती है। तो समथिंग मैंने 16 आइटम लिए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि 16 आइटम में कौन कौन से आइटम जो मैंने लिए हैं गरम मसाला में डालने के लिए। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और सौंफ अगर आपको अवेलेबल समझे तो आप डालिएगा, वरना नहीं। इस तरीके से और मैंने लिया है तेज़पात के पत्ते, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। पत्ते डालने से गाइस बहुत ही स्वादिष्ट गरम मसाला बन के तैयार होता है। तो ये जावित्री जो येलो कलर की है, जो जावित्री है, अब गैस को ऑन करेंगे। तो इसमें मसाले मैं डाल रही हूँ, तो एक एक करके आप देख सकते हैं। तो लीजिए, तवा मैंने रख दिया है गैस के ऊपर, अब इसको गरम करेंगे। और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा तेज़ मसाले में तवे पे मसाले को फ्राई नहीं करनी है। तो जो जायफल जो है इसको फोड़ लेंगे, जो अदरक कुचलने वाली होती है, अदरक जिसमें कुचलते हैं, फोड़ते हैं, तो ये खल्लड़ मूचड़ से आप आसानी से जायफल को फोड़ सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तवा अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है, और इसमें डाला है ये मैंने कबाब चीनी। तो अब ये दाल देंगे, और ये दालचीनी है, और ये है खड़ी इलायची, और ये हरी इलायची। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है इससे। और ये है जावित्री, और ये है सौंफ, छबीला। छबीला से गैस क्या रहता है कि गरम मसाला में स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो छबीला, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तो ये छबीला ले लिया है, और ये चक्री ले ली है मैंने, जो गोल चक्री जिसको बोलते हैं, काली मिर्च। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, उसी क्वांटिटी से लीजिएगा। और जीरा, अब मैं जो मैंने धनिया ली है, तो एक कटोरी समथिंग मैंने खड़ा धनिया लिया है, अब इसको गरम कर लेंगे। और लौंग, लौंग भी थोड़ी कम ही लेनी है, जो मैंने सबसे लास्ट में डाली थी वो लौंग थी। आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लो फ्लेम पर ही करना है। तो लो फ्लेम पर इस हल्के हल्के धीमे आंच में भून लेंगे, और अगर आप तेज़ आँच करेंगे तो ये जल जाएगा। फिर आपका गरम मसाला जब सब्ज़ी में डालेंगे तो आपका टेस्ट नहीं लगेगा सब्ज़ी में, तो जली हुई महक सी आएगी। तो गाइस इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लिया है, अब इसको पंखे की हवा में रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा करके ही पीसना है मिक्सी के जार में। अब इसमें डाल देंगे धनिया, खड़ा धनिया जो मैंने लिया है एक कटोरी, तो इसको भी हल्के से गरम कर लेंगे। तो ज़्यादा इसको गरम नहीं करना है। तो लीजिए, धनिया भी अच्छे से भुन गया है। ऑयल वगैरह नहीं डालना है इसमें, ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर ऑयल अगर लगा देंगे इसमें तो बिल्कुल गरम मसाला बेकार हो जाएगा आपका। तो
लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो ये गरम हो चुका है धनिया, तो इसको भी ठंडा कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और इसी तवे पर डाल देंगे तेज़पात के पत्ते। तो पत्ते इसमें करारे हो जाएंगे, वैसे ऑलरेडी अच्छे से सूखे हुए होते हैं पत्ते। तो लीजिए इसको मैं ठंडा कर ले रही हूँ। तो ये तेज़पात के पत्ते जो होते हैं, थोड़े से आप उसमें डाल सकते हैं, सब्जी में, छोले में डाल सकते हैं अलग से, पुलाव में डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़े से अलग से रख लीजिए और थोड़े इसमें डाल दीजिए गरम मसाले में। तो लीजिए जायफल, जायफल को फोड़ लेते हैं खल्लड़ मूसल में, इस तरीके से फोड़ लिए हैं, बहुत ही आसानी से फूट जाता है, बस दो तीन खल्लड़ मूसल में मारेंगे तो फटाक से टूट के तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। अब मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे सारे मसाले को। तो इस तरीके से आप मसाले डाल सकते हैं मिक्सी के जार में। मैंने पहले हल्दी पीसी थी, अगर आपको कमेंट में बताइएगा तो हल्दी की वीडियो मैं डालूँगी, हल्दी मैं किस तरीके से घर में पीसती हूँ। तो मिक्सी का जार में जो मैंने हल्दी पीसी थी उसी में ही मैंने डाल दी है। तो थोड़ा सा येलो कलर आ गया है चूँकि मैंने हल्दी पीसी थी। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है गरम मसाला होममेड। इस तरीके से आप गरम मसाला घर में बना सकते हैं और सब्जी में डाल के खाइएगा तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बिगर मसाले के तो गाइस सब्जी ऐसी होती है बिल्कुल धुली धुली सी लगती है, स्वाद नहीं लगता है। जब सब्जी में स्वाद नहीं लगेगा तो आप क्या सी कहेंगे कि हाँ सब्जी टेस्टी नहीं बनी है। इस तरीके से गाइस आप गरम मसाला बना सकते हैं, आप होममेड गरम मसाला। तो आपको गाइस गरम मसाला की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा कि आपको गरम मसाला की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप चाहें तो एक छलनी ले लेंगे आटा जिसमें छानते हैं, तो उसमें इस तरीके से डाल देंगे और जो सब्जी में क्योंकि थोड़ा मोटा गरम मसाला हरकर पिसा होगा तो महीन इस तरीके से हो जाएगा, और छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके स्टोर करके आप डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में आप रख सकते हैं। तो ये मोटा वाला जो है गरम मसाला जो छलनी में निकला है, इसको आप मसाले में प्याज के साथ फ्राई पीस लीजिएगा दोबारा से। तो इस तरीके से मैंने गरम मसाले को छान लिया है, तो ये ठंडा करके आप स्टोर करके रख सकते हैं, सालों साल आपका खराब मसाला ख़राब नहीं होगा। गरम मसाला आप इसको स्टोर करके बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोसेस से आप बना सकते हैं गरम मसाला। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। चैनल मेरा ग्रो अगर नहीं करेगा तो आप लोगों की कृपा से ही करेगा मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।